जय भोलेनाथ। विश्व के सबसे ऊंचे भोलेनाथ के मंदिर की चढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है। तो ये बीच में एक सामने से गाड़ी आ गई है, अब देखो कैसे निकलते हैं। निकल पाना बहुत मुश्किल है, इधर भी बर्फ उधर भी बर्फ, बीच में गाड़ी और सिंगल रोड है। गाड़ी फिसल रही है आगे वाली। बाहर का सीन दिखाता हूँ मैं पहले आपको। यह रूम के बाहर का सीन, पूरी रात बर्फ गिरी है और उधर आप दूर देखिए, वहाँ पे देखिए उधर धूप गिर रही है, धूप आ रही थोड़ी थोड़ी। क्या जबरदस्त सीन है यार, पूरी रात बर्फ गिरी है, जम के बर्फ गिरी है, एकदम वाइट वाइट हो रखा है पूरा बाहर से। माइनस में कम से कम 5 या 6 डिग्री, ज़्यादा होगा नहीं, माइनस 5-6 डिग्री होगा टेम्परेचर, 5-6 डिग्री टेम्परेचर है माइनस में। कुछ काम नहीं कर रहा है, नहाए भी नहीं है और ना ही 2 नंबर गए हैं, धोएंगे तो नीचे का सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर बाद में चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सब तैयार हो रहे हैं। तो गाइस हमने रात में रूम ये लिया था जिसमें पूरे 6 जनों का, हम 3 जने एक साथ सो गए थे और 3 बेड अलग अलग लगे थे। इसके हमसे लिए थे 150 रुपये पर पर्सन, मांग तो ऐसे ज़्यादा रहे थे, 1200-1300 रुपये मांग रहे थे और हमने 150 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से दिए थे। तो सही है ये जगह पर, यहाँ पे आपको हीटर वीटर कुछ भी नहीं मिलेगा अंदर, ना ही कुछ गर्म करने के लिए कंबला वगैरह, वो गर्म इलेक्ट्रिक वाली है। यहाँ पे वैसे बिजली की दिक्कत ही है, ये सारा सौर ऊर्जा से चल रहा है यहाँ पे, बिजली जितना भी है, खंभे वगैरह इतने आ नहीं रखे हैं। तो सही लगा, अभी यात्रा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको सब कुछ बताएंगे रास्ते में और क्या क्या है कैसे, तो उसके लिए आप जुड़े रहना और भाई लोग अपने साथ में ही पूरी मौज लेंगे, सारी मौज आपको दिखाएंगे पूरी। तो निकल लिए यात्रा के लिए, देखिए काफ़ी ज़्यादा लेयर है, पूरी रात की जमी हुई है। कल यहाँ से रास्ता दिख रहा था, अभी हम 2-3 जने निकले, हम पहला हमारा ग्रुप होगा जो यात्रा के लिए जा रहा है, बाकी सब तो अभी सो ही रहे थे। हम उठे थे 7 बजे, अभी 8 बज गए निकलते निकलते। और ये देखो एकदम फ्रेश स्नोफॉल, फ्रेश हो रखी है पूरी रात की। तो गाइस यहाँ से हमने जूते लिए हैं, 100 रुपये पर जोड़ा जूता मिलता है यहाँ पे, और वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी। आप चोपटा जैसे पहुँचेंगे तो ये सामने आपको दिख रहा होगा, देखिए एक बना हुआ है गेट टाइप, वहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, तो वहीं से ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट होती है। ये देखिए ऐसे रास्ता बना दिया सुबह सुबह ही, अभी से तो दुकान वालों ने और साइड वाइड में चलने के लिए, बाकी ज़बरदस्त यार, क्या ही ठंड लग रही है यार, अलग मज़ा आएगा। पूरा स्नो, गाड़ी देखिए पीछे एकदम पूरा स्नो से कवर हो रखी है, पूरा स्नो से कवर हो रखा है पूरा रास्ता। जय भोलेनाथ। विश्व के सबसे ऊंचे भोलेनाथ के मंदिर की चढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है और ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये द्वार है यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गया। आइए आपको ले चलते हैं महादेव के सबसे, विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर की तरफ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। वो सामने घर देखिए पूरा ढक चुका है, ये देखो जी, देखो देखो देखो, अलग ही वाइब आ रही है दोस्तों, अलग ही वाइब, किसी की आवाज़ नहीं है मेरे अलावा, आप सुनोगे नहीं किसी की आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है, देखो
इतना शांत है, इतना पीसफुल है, बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। हाँ, एकदम पीक दिखेगी वहाँ से, केदारनाथ की पीक, ऊपर से चंद्रशिला भी जाएंगे जहाँ से केदारनाथ की पीक भी दिखेगी, बहुत जबरदस्त है भाई। गिर हो रहे हैं यहाँ तो, ये देखिए गाइस, अरे गिरना लगी बहुत तेज, ये देखिए बर्फ जम चुकी है, त्रिशूल बन गया पूरा शिव जी का। नजारे दोस्तों, नजारे, बाकी थक गए यार, बाइक और थक गए हैं, कम से कम आधा किलोमीटर ही मुश्किल से हम चले होंगे, उतने में यार लोग पीक दिख रही है, वो देखिए सामने और पहाड़ों की पीक दिख रही है, जल्दी से पहुंचना यार, दूर दूर तक की रेंज यहाँ से दिखाई दे रही है, क्या गजब है यार, क्या गजब है, अननोन लोग सारे हैं, बहुत सारे लोग हमसे पहले भी चले गए हैं, इसलिए हमें ट्रैक का पता चल रहा है, अगर पहले होते तो हमें ट्रैक का कुछ पता ही नहीं चलता कैसे जाना है, तो काफ़ी सही है, नया एक्सपीरियंस है और लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस रहेगा ये वाला। और कल रात का भी बड़ा ज़बरदस्त था यार, अंधेरा हो चुका था, हम सब चल रहे हैं, एक भी बंदा दिखाई नहीं दिया हमें, फिर जैसे हम पहुँचे हैं गाँव के पास, हमने भाई साहब मौज कर दी वहाँ तक पहुँचते ही, बढ़िया बढ़िया, टू गुड यार, टू गुड। तो गाइस यहाँ से ऊपर पॉसिबल नहीं है, अभी हमें कुछ बंदे मिले थे और ये अपने साथ वाले भाई भी थोड़े ऊपर गए थे, पर पॉसिबल नहीं है, ऊपर कह रहे हैं पूरा रास्ता बंद है, वो कह रहे हैं कि 500 मीटर दूर ही था मंदिर, पर 10-10 फीट बर्फ़ जमी हुई है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं हम। तो दोस्तों इस वजह से अब हमें यहाँ से वापसी जाना पड़ेगा, बहुत मन में थी यार कि जाके आएँ जाके आएँ, पर वापसी यहाँ जाना पड़ रहा है यहाँ से यार, बड़ा बुरा लग रहा है, पर कोई नहीं, बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं यार, बर्फ़ है ऊपर, यहीं तक पैर जा रहा है अंदर ऊपर वाले, पूरा मतलब हम जहाँ तक गए हैं वहाँ पे घुटने तक पैर जा रहे हैं, तो उससे आगे अब जाने कोई मेरे को फायदा लग नहीं रहा, और डेंजर हो जाएगा, बर्फ काफी हार्ड हो रखी है, तो फिसलन ज्यादा, और फिसलन भी हो रखी है नीचे वाली, क्योंकि पुरानी बर्फ है वो हार्ड भी हो रखी है, बट कोई नहीं यार, इतनी दूर आए, बहुत सही एक्सपीरियंस रहा, बहुत सही मजे आए, अब वापस यहाँ से नीचे जाएंगे। देख रहे भाई, मैं मोटिन 5 फीट बर्फ है भाई, रेलिंग पूरी दबी, देख आगे तो रेलिंग ही नहीं है, रास्ता रेलिंग ही भाई, रास्ता ट्रेल ही खत्म होगी, और हमें वहां जाना है, वहां थोड़ा ही है बस, थोड़ा ही है, 500 मीटर है तुंगनाथ, वहां जाना है हमें, क्या करना चाहिए बता, इधर से चल पीछे से, कुत्ते की ट्रेल है भाई ये, कुत्ते की ट्रेल थोड़ी फॉलो कर सकते हैं, तो भाई अभी पहुंच चुके हैं नीचे जो मार्केट है चोपटा की, तो मैं चोपटा के बारे में आपको बताता हूँ, चोपटा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इतना बड़ा, और यहाँ पे आपको सब कुछ व्यवस्था मिल जाएगी, बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है, लाइट नहीं आती है, इसलिए बिजली की थोड़ी दिक्कत रहेगी, और यहाँ पे स्नोफॉल के टाइम पे पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पानी ऊपर आता नहीं है, सब बर्फ़ होता है यहाँ पे, मतलब लगभग 6 महीने यहाँ बर्फ़ बर्फ़ रहता है, इसलिए ऊपर पानी भी नहीं मिलता है। तो अभी हम यहाँ से वापसी के लिए निकल रहे हैं, थोड़ी देर में निकल जाएंगे, गाड़ी हैं जो 400-500 रुपये नीचे जाने के लेते हैं, आते टाइम आपको 200 रुपये में ही मिल जाती है। तो गाइज अब हम इस जगह से निकल रहे हैं, और क्या ये यादगार हमारा ट्रिप रहा, तो गाइज बहुत ही बढ़िया है हमारा ये ट्रिप रहा, बहुत यादगार ट्रिप रहा है, इस ट्रिप के बारे में हमेशा याद रखेंगे, और अब निकलने का टाइम हो रहा है यहाँ से, तो वापसी जा रहे हैं, अब यहाँ से सीधा ऋषिकेश जाके रुकेंगे, वहीं पे नए व्लॉग शुरुआत करेंगे, और रास्ते का तो वापसी वही सीन है, वो थोड़ी बहुत सीन दिखा दूंगा, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रखते हैं, बाय बाय।
जो भी जा रहा है गाइस फुल एंजॉय करते हुए जा रहा है। गाड़ी के ऊपर बैठे थे वो लोग, फुल एंजॉय कर रहे थे। और गाइस यहाँ पे आप बाइक लेके ना आए, बाइक लेके ना आए क्योंकि इस टाइम पे बाइक बहुत ज्यादा फिसलती है तो टफ रहेगी। आप ले आओगे पर बहुत ज्यादा टफ रहेगा, और अगर सिंगल हो तभी आओ बाइक से, डबल तो आना पिलियन बैठा के तो आना ही मत, बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको लेके आने में। तो ये बीच में एक सामने से गाड़ी आ गई है, अब देखो कैसे निकलते हैं, निकल पाना बहुत मुश्किल है। इधर भी बर्फ उधर भी बर्फ, बीच में गाड़ी और सिंगल रोड है। दिल्ली नंबर की गाड़ी है भाई साहब, ऊपर तक ले आ रहे, कैसे निकलेंगे। 4x4 होती है तो कोई बात नहीं, कहीं भी चढ़ा दो भले। गाड़ी फिसल रही है आगे वाली, टायर एक जगह स्लिप कर रहे हैं। उल्टा काट दिया इसने यार, उधर काटना था। तेरा पहुंच गया परेशान, तुम परेशान थे हिसाब दे, तेरी आ